हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो कि सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला है। यानी आज आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आएगा तो उसको बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट का थोड़ा धक्का लगा देंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा, बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। बस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करने वाले, दूसरा कुछ नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है तो किसमें बदलेंगे इसको? किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो प्रेजेंट से पास्ट होता जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाएगा। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप क्या देख रहे हैं कि बस एक धक्का देकर के ऊपर जा रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेंस अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और क्या बदली करना है? अगर मान लीजिएगा अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है, अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस आपका आ जाता है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। हाँ, डायरेक्ट में मान लीजिएगा आपका है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा और धक्का लगा देंगे, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि अभी पिछला आपने किया था ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा सर, तो उसको कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कर देंगे। लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही आ गया, थोड़ा सा और धक्का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ये बात रही। अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस ही आ जाए तब क्या करेंगे? तब इसमें नो चेंज। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए कि जितना धक्का लगना था आखिर तक बंदा पहुंच गया, अब इससे आगे वो जा ही नहीं सकता, उसकी ये हद थी। अच्छा, अगर आपका हो जाएगा, क्या हो जाए? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपका आ जाता है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था तब तो हम कर लिए थे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर लिए, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल आ जाता है तब उसको उसी में रहने देंगे। इसी तरह अगर जैसे कैन आ जाता है तो कैन किस बदल देंगे? कुड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अगर विल होगा तो उसको बदल देंगे वुड में बदल देंगे, शैल होगा तो बदल देंगे शुड में बदल देंगे, में अगर आ जाता है तो माइंड बदल देंगे, मस्ट होता है तो उसको आप मस्ट ही रहने दे सकते हैं, इसी तरह शुड होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, और मस्ट को अगर मान लीजिएगा आपका हैज टू तो हैज टू बदल देंगे हैड टू में बदल देंगे। तो ये के बदलने का सिस्टम है, आप ये चीज देख लीजिएगा। अब आपके लिए मुझे उम्मीद है कि दूसरा रूल अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो जब इसको अभी एग्जाम्पल से करेंगे तो आपके लिए बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट में बस आपको इतना समझना था कि टेंसेस को किसमें कैसे बदली करना रहता है। He said to me, I am going to market. He told me that he was going to market. तो क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आई का ही कैसे बदला, अभी हम आपको जब पर्सन चेंज करने में हम उसमें आपको समझाने वाले हैं। अगला सेंटेंस आपका हो जाएगा जैसे ही सेड टू मी I have gone to market. उसने मुझसे कहा मैं बाजार जा चुका हूँ। जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा He told me that he had gone to market. He said to me, I have been going to market since morning. उसने मुझसे कहा मैं सुबह से बाजार जा रहा हूँ। जब इसको आप चेंज करने वाले हैं टेंस को तो हो जाएगा He told me that he had been going to market since morning. तो इस तरह से देख रहे हैं कि सारे टेंसेस आपके चेंज होने वाले हैं। एक तो और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे हमने कहा कि he said to me, I can't go to market. उसने मुझसे कहा मैं बाजार जा सकता हूं। तो इसको क्या करेंगे इनडायरेक्ट में? He told me that he could go to market. तो इस तरह से आपने क्या देखा कि टेंस को किस तरह से हम बदली करने वाले हैं। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो मेरे भाइयों, देर किस बात की, नए बैच के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप आज ही आइए, कल पर मत डालिए। हमारा पता है
ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 90 दिनों में। हमारे ब्रांच है सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने मछवारा मोड़ घोसी सिलमऊ। हमारी दूसरी ब्रांच है मधुबन रोड पुराना नवजीवन हॉस्पिटल के बगल में घोसी सिलमऊ। हमारी तीसरी ब्रांच है HDFC बैंक के